No, please. No. Pradhan Mantri. So, because... No, because... Pradhan Mantri. Pradhan Mantri. आप बात की. अध्यक्ष महोदय, कल सदन में जो कुछ हुआ उससे हम सबका माथा शर्म से झुक गया. सदन में विरोध प्रकट किए जाते रहे हैं. लेकिन कल तो लक्ष्मण रेखा पार हो गई. लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं. मतभेदों को प्रकट करने का एक तरीका है. हम संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं. कल जो कुछ हुआ वो हमारे दावे को झुठलाता है. लोकतंत्र मर्यादा ही नहीं हो सकता. फिर वो भीड़ तंत्र में बदल जाएगा. अगर ये सदन, ये संसद शालीनता से व्यवहार नहीं करेगी, इसके सदस्य शालीनता से आचरण नहीं करेंगे, तो फिर प्रदेशों में, विधानसभाओं में क्या होगा, क्या हो रहा है, इसकी कल्पना की जा सकती है. लोकतंत्र का अर्थ है बहुमत का शासन, बहुमत की बात मानना. जो अल्पमत में है उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होना चाहिए. लेकिन उन्हें यह स्वीकार भी करना चाहिए कि वो अल्पमत में हैं और भविष्य में जब बहुमत में आएंगे तो फिर उनकी बात स्वीकार्य होगी. अब अगर अल्पमत ये फैसला कर ले कि वो बहुमत की चलने नहीं देगा, सदन को चलने नहीं देगा, थोड़ी देर के लिए प्रतिरोध विरोध समझ में आ सकता है. जैसा कॉमरेड इंद्रजीत गुप्त ने कहा, कई दिनों तक लगातार बहिष्कार होता रहा है सदन का, लेकिन एक सीमा में रहे. कल तो सारी सीमा टूट गई. अब मैं उसमें विस्तार से जाना नहीं चाहता. चालीस साल से अधिक मैं संसद से जुड़ा हुआ रहा हूं. ऐसा पीड़ादायक, ऐसा दुखदायी दृश्य कभी देखने को नहीं मिला. कल जो कुछ हुआ उसके लिए दो दलों के नेताओं ने, श्री मुलायम सिंह ने, श्री लालू प्रसाद जी ने माफी मांगी है. वो कहते हैं उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी माफी मांगी थी. सदन को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए. हम उसे स्वीकार करते हैं. और मैं अपने संसदीय कार्य प्लीज ये भी कुछ कहिए. मैं आपसे सहमत हूँ. माफी नहीं लिया. ठीक, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं. ठीक बात. माफी मांगना, अगर माफी हृदय से है तो सबसे बड़ी सजा है.
मैं संसदीय कार्य मंत्री से कहूंगा कि उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया है और उस पर जोर न दें और सदन आगे कार्यवाही चलाए। सो ऑनरेबल मेंबर्स, इन रेस्पॉन्स टू माई टूडेज ऑब्जर्वेशन।